हेलो स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट चैप्टर रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ थ्री डिजिट्स का हमने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सभी ने उसको घर पर रिवाइज किया होगा और उसकी एक्सरसाइज को भी देखा होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रीड एंड राइट न्यूमरल्स एंड नंबर्स नेम फ्रॉम 116 to 130। लेट्स स्टार्ट। 116, 117, 118, 118, 119, 19, 120. हंड्रेड तक की काउंटिंग आप क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं और उसको लर्न भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है 101 to 200। हंड्रेड में 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है उसको क्या करना है, एड करते जाना है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, वन लिख के 1, 102, 103, देन 110, 10, देन आएगा 11, तो 111, 112, 13, 14, 15, 16, 17, सारी काउंटिंग लिखनी है। अगर नंबर नेम आता है तो आप कैसे लिखेंगे, 100 आपको लगाना है। अगर 101 के बाद है तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक का आपको, 100 तक नहीं, 99 तक आपको क्या करना है, लिखना है। बट आगे आपको लिखना है 100, देन आप लिखेंगे 1, 199 है तो 199, 180, 179, 160। फॉर एग्जाम्पल अगर है 155, तो 55 तो आएगा ही 50, वॉट इज दिस 55। इसके पहले है 1 तो क्या आएगा 100। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या है 121 है और क्या है 100, तो 100 तो आएगा 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 and 130। कैसे लिखेंगे, 100 then 26, 127 and नहीं लगाना है आपको, वो एंड में ऐसे ही बोल रही है, 128, 129 and 130। काउंटिंग आपको याद कर लेनी है 1 to 100 तक अगर आपने नहीं की है तो। 100 तक काउंटिंग अगर आपको याद है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद की काउंटिंग भी लिख सकते हैं 101 to 200। अगर आपको यहाँ तक ही याद नहीं है तो आप आगे भी नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, 1 to 100 तक की काउंटिंग को लर्न कर लेना है। काउंटिंग लर्न करने से आप क्या कर पाएंगे,
वर्ड्स को नंबर नेम जो है उसको आराम से लिख पाएंगे. Write numeral and number names from 116 to 130. 116 से हमने 130 का यहाँ देख लिया है. ऐसा का ऐसा आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में उतार लेना है. कैसे उतारेंगे, न्यूमरल का मतलब क्या है, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, ऐसे ही आपको लिखना है. नंबर नेम आप कैसे लिखेंगे, 116 है तो 16, 17 है तो 17, 18, 19, आगे आपको क्या लिखना है, 100, यहाँ भी 100, 120, 121. आपको पहले ही बता चुके हैं आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में 116 to 130 का लिखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेंस एंड हंड्रेड. हंड्रेड, टेंस और वंस क्या पढ़ना है हमें, टेंस एंड हंड्रेड. 100 कितना हुआ, 100. टेंस में क्या है, 0 एंड वंस में भी 0 है, तो हम क्या लिखेंगे, 100. अगर 110 है तो क्या आएगा, 110. 110, तो 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, and 2 है तो 200. 3 है तो 300, 4 है तो 400, 5 है तो 500. 100, 100, 110, 120, 130, 140, 150. 160, 70, 80, 90, and 200. 200. 210. यहाँ क्या था, 1 था, 100 के प्लेस पे क्या था, 1 था, तो क्या आएगा, 190. अगर 1 के प्लेस पे 2 है तो क्या आएगा, 200 210 220 230 240. इसी तरह से आपको क्या करना है, टेंस और 100 को आगे भी देखना है. For example, 250, 260, 270, ये भी क्या है, 110 से. Read and write in 10th
स्टार्टिंग फ्रॉम 100। ये जो हमने देखा है 100 से 240 तक का आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में उतार लेना है। कैसे उतारेंगे आप? 100, 110, 120, 130 आपको क्या करना है, 100 में 10 को ऐड करते रहना है। ऐड करेंगे तो आपके पास 110 आएगा, फिर इसमें 10 ऐड करेंगे तो 120, 10 को ऐड करते रहना है। कहाँ तक आपको करना है? आपको 240 तक नहीं करना है, आपको अपनी नोटबुक में सिर्फ 200 तक ही करना है। आज का आपका होमवर्क क्या है? आपको 116 से लेकर, फर्स्ट है आपका 116 तो आपको करना है 130, तो आप 116 से करेंगे 130 तक। एंड नेक्स्ट है 110 और 100 में आप कैसे करेंगे, टेंस में कैसे लिखेंगे, 100 से 200 तक, और कैसे लिखेंगे, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 and 200। आपको क्या करना है, 200 तक ही लिखना है, 240 तक आपको नहीं लिखना है। आप कैसे लिखेंगे, 100, 110 है, 120, 130, 140, 150, 160, 170, ऐसे ही आपको क्या करना है, 200 तक लिखना है। आपको कहाँ तक लिखना है, 200 तक। बिल्कुल भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है और अपना होमवर्क आपको खुद ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने अल्डर्स वन से, घर में किसी और से आप अपना वर्क करा रहे हैं, ये क्या है, बैड हैबिट्स है। ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है, अपना होमवर्क आपको खुद ही करना है और 200 तक आपको करना है। नेक्स्ट हम सम न्यूमरल्स एंड नंबर नेम जो है वो हम 139 से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।